नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। योग नगरी ऋषिकेश से आज का वीडियो, न्यू ऋषिकेश स्टेशन पर और क्या कुछ चल रही हैं तैयारियां, कितना हो चुका है काम, इस पर डालेंगे एक नज़र। और अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार हमारी चैनल पर आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का जो पहला मील का पत्थर है, आप कह सकते हैं चार धाम यात्रा, जो हमारे हिंदुओं के पवित्र चार धाम है उत्तराखंड राज्य में, श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन चार धामों की यात्रा को सुगम करने के लिए, साथ साथ हेमकुंड साहिब है जहाँ बहुत से लाखों सिख श्रद्धालु आते हैं, उसके लिए ये बेहद इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट रेलवे का उत्तराखंड के न्यू ऋषिकेश स्टेशन से, ऋषिकेश के अंदर आता है ये, यहाँ से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बिछाने का, सुरंगों के माध्यम से, पुल के माध्यम से, और उसका पहला स्टेशन ये योग नगरी ऋषिकेश, जहाँ पर अब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, वायर खींचने का काम चल रहा है, साथ साथ प्लेटफॉर्म से लेकर बाकी जो बिल्डिंग वर्क है उनकी फिनिशिंग का काम चल रहा है, ट्रैक पर बैलास्ट डालने का काम चल रहा है, ये सब देखेंगे हम आज के वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। योग नगरी ऋषिकेश का नया साइन बोर्ड आप सामने देख सकते हैं, ऊपर संस्कृत, फिर हिंदी और नीचे इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिखा हुआ है स्टेशन का नाम। ये पहला साइन बोर्ड जो यहाँ पर लगाया गया है, ऊपर घने बादल आज सुबह से ही लगे हुए हैं और देहरादून और ऋषिकेश दोनों ही जगह सुबह से आज बूंदाबांदी, बारिश हल्की फुल्की जारी है, जिसके बीच में काम चल रहा है, बीच बीच में धूप निकल आती है तो थोड़ा कार्यों में तेजी आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इधर वीरभद्र की दिशा हो गई, आगे फिर ट्रेन इधर से हरिद्वार की दिशा में जाएगी और ट्रैक्टर ट्रॉली से भर के बैलास्ट वगैरह डालने की तैयारी चल रही है अभी। और इधर आप देख सकते हैं क्रॉस बार्स लग गई हैं ऊपर ब्रैकेट्स और उसके बाद होल्डर्स, और उसमें फिर आपको बिजली के तार दिखाई दे रहे होंगे। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है इस समय योग नगरी ऋषिकेश, जिसे लोकल लोग यहां पर न्यू ऋषिकेश स्टेशन के नाम से भी जानते हैं, कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है। इधर आप देख सकते हैं ये मुख्य प्लेटफॉर्म है जिस पर अभी हम खड़े हैं, यहां पर आपको तीन ट्रैक दिखाई दे रहे होंगे, ये प्लेटफॉर्म नंबर एक है जिस पर ये मेन ट्रैक है, बीच में एक ट्रैक जाएगा रणथ्रू जो आगे फिर कर्णप्रयाग की तरफ लाइन जाएगी, सामने प्लेटफॉर्म नंबर दो की तरफ कार्य हो रहा है, बीच बीच में रोशनी थोड़ी हल्की हो जाएगी, बहुत घने बादल लगे हुए हैं और ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली है सामने ट्रैक पर, इसमें बैलास्ट को अभी भरा जा रहा है जो यहाँ पर डाला जाएगा, और टाइल्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं देखिए प्लेटफॉर्म के ऊपर, बहुत ही सुंदर खूबसूरत 2x2 के टाइल्स लग गए हैं और लाइट्स वगैरह लगाए जाने का जो काम है वो चल रहा है, और साथ में जो प्लेटफॉर्म नंबर के साइड में, जो पूर्व में भी मेरा अंदाजा था कि टर्मिनेटिंग प्लेटफॉर्म रहेगा, ये साइड में एक यहाँ पर ट्रैक डाला जा रहा है, आगे डेड एंड हो जाएगा तो ये एक गधा लाइन हो जाएगी, क्योंकि सामने फिर न्यू ऋषिकेश, ये जो योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन है इसकी बिल्डिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो कंक्रीट के स्लीपर्स आप देख रहे हैं, पोल का इरेक्शन हो गया, ये स्लीपर्स अभी यहाँ पर बिछाए जाएंगे कंक्रीट के, उसके ऊपर ट्रैक बिछेगा, पोल्स का इरेक्शन यहाँ पर हो रहा है धीरे धीरे, और मजदूर लेबर यहाँ पर लगी हुई है, रात दिन काम चल रहा है, जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने की तैयारी है। इधर आप देख सकते हैं अभी वायरिंग का काम बचा है और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम धीरे धीरे वीरभद्र तक इसको कनेक्ट किया जाएगा, ट्रैक जोड़ लिया गया है वीरभद्र पे, और जो मेगा ब्लॉक लिया गया है जिसके तहत अभी देहरादून भी रेलगाड़ियां नहीं जा रही, रायवाला, डोईवाला और आगे हर्रावाला, फिर देहरादून, और इधर वीरभद्र से न्यू ऋषिकेश स्टेशन की जो लाइन है, काम चल रहा है बहुत लगातार, जिसके चलते रेलगाड़ियों का संचालन सिर्फ हरिद्वार तक हो रहा है अभी। ये देखिए लेबर यहाँ पर लगी हुई है, मैं आपको और करीब से भी दिखाता हूँ, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऊपर देखिए वर्कर लगे हुए हैं और सामने खूबसूरत पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन से। शेल्टर डालने की तैयारी चल रही है, ये देखिए यहाँ से नज़दीक से, तो अब हम और करीब आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक के और शेल्टर के नीचे आ गए हैं। अब यहाँ से आप देखिए दाहिने हाथ पे जो आपको नई बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारी यात्री सुविधाओं की भी चीज़ें आएंगी, वेटिंग हॉल है,
बैठने का और भी बहुत सारी चीज़ें, स्टेशन मास्टर का रूम होगा, पैनल रूम है, सारी तैयारियां चल रही हैं। और इधर देखिए शेल्टर लग रहा है ऊपर, जो उसके टिनशेड है शेल्टर पे वो डाली जा रही है, शेल्टर जो है वो तैयार किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ 3 प्लेटफॉर्म यहाँ पर मुख्य रहेंगे, एक टर्मिनेटिंग प्लेटफॉर्म हो जाएगा। और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम देखिए चल रहा है, इधर सामने वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वायर सारे खींच लिए हैं, अभी बीच की लाइन पे देख रहे हैं आप, सिंगल एक वायर जा रहा है, अभी इस पर वायरिंग और होनी बाकी है और उसके बाद इसको फाइनल शेप दी जाएगी। तो ये हम आ गए शेल्टर के नीचे के एरिया में, जहाँ पर आगे घिसाई हो रही है मशीनों के माध्यम से, काम चल रहा है यहाँ पर बराबर, लेबर लगी हुई है और सब तरफ इस समय पूरे स्टेशन में कार्य हो रहे हैं, चाहे वो ट्रैक रिलेटेड काम हो, उसको फाइनल टचअप देना हो, टेक्निकल काम दिखता है, सिग्नल जलने लगे हैं वो भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए कार्य हो रहा है, यहाँ पर देखिए पीने के पानी की व्यवस्था होगी, ये पानी का एरिया है, यहाँ पर नल लगेंगे टैप्स, ये अभी तैयारी चल रही है। सामने ये देखिए नई बिल्डिंग, पुट्टी वगैरह हो गई है, पेंट हो गया, तो अब बिल्डिंग समझ में आने लगी है यहाँ पर। और बीच में जो गैप आप देख रहे हैं, इसमें पानी की निकासी के लिए अभी पाइप पड़ेंगे, ट्रैक नहीं आएगा, ट्रैक वहाँ पर आगे टर्मिनेट हो जाएगा। और बीच बीच में जो ये गैप है बिल्डिंग से, बाद में शायद कवर हो, ड्रेनेज की जो पाइप हैं वो डाले जाएंगे, यहाँ मुझे जो लेबर लगे हैं वो बता रहे हैं। और ये देखिए मुख्य प्रवेश द्वार है अंदर आने का, जहाँ से आप एंटर करेंगे योगनगरी ऋषिकेश स्टेशन में। मैं पीछे की साइड से आया हूँ क्योंकि इधर सामने अभी ट्रेन लगी हुई है, उसमें काम चल रहा है, आना क्यों नहीं था, तो साइड से हम आए। इस तरफ से आपको मैंने मेन गेट दिखा दिया और ये हम आगे चल रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म का काम काफ़ी कंप्लीट हो गया है, लगभग 90% 85-90% हम मान के चलें कि काम यहाँ पर कंप्लीट है, बिल्डिंग वर्क कंप्लीट है, बहुत तेज़ी के साथ उस पर पुट्टी और पेंट वगैरह हो रहा है। यहाँ भी शेल्टर्स वगैरह सब पेंट हो रहे हैं, जगह जगह लाइट्स लगाई जा रही हैं और सामने वाला शेल्टर भी बहुत जल्दी से इसको कंप्लीट करा जाएगा, फरवरी के लास्ट तक ये सारे काम यहाँ पर ये हो जाएंगे पूरे। तो बहुत तेज़ी से योगनगरी ऋषिकेश में काम चल रहा है। स्टेशन का स्वरूप अगर हम कहें कि अब नज़र आने लगा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब बहुत शुरू में हम आए थे पहले, तो बहुत कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन जो था, काम चल रहा था, तो उस समय उतने पिक्चर जो है, एक तस्वीर हम कहते हैं जिसको, क्लियर नहीं थी। अब आप स्टेशन की जो तस्वीर है वो बहुत साफ अब नज़र आने लगी है, समझ आने लगा है कि जो सामने प्लेटफॉर्म्स हैं 2 और 3, इधर 1 और एक टर्मिनेटिंग प्लेटफॉर्म, और किस प्रकार से ये दिखेगा स्टेशन, ये आप देख, ये अब हम लोग समझ सकते हैं। और ये मुख्य बिल्डिंग का व्यू, योगनगरी ऋषिकेश स्टेशन की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत, और बीच में जो ये गैप है इसमें पाइप पड़ेंगे पानी की निकासी के लिए, तो काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। ये टॉयलेट्स यहाँ पर निर्माण हो रहा है, जो बनाए जा रहे हैं उसका दृश्य, और इधर आप फिर सामने पहाड़ियां खूबसूरत। तो ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से देखिए जो बैलास्ट इसमें भरा जा रहा था वो ट्रैक पे गिराया जाएगा, तो ये यहां पर अभी ट्रैक पर बैलास्ट डालने का जो काम है वो भी साथ साथ होता जा रहा है। और आगे फिर अभी जो चंद्रभागा नदी, जिधर दिशा है ये, इधर ट्रैक्टर ट्रॉली पीछे जा रही है, तो आगे अभी जो पुल बनना है नदी पे, उसमें अभी समय लगेगा, फ्लाईओवर शुरू हो चुका है वहाँ पर, तो उसमें अभी समय लगेगा, उसको हम बाद में दिखाएंगे फिर आगे। अभी पहले सारा फोकस हमारा योगनगरी ऋषिकेश स्टेशन पर है, जब ये पूरा हो जाएगा तो इसके बाद फिर हम आगे धीरे धीरे, जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करेगा, हम आगे आपको अपडेट दिखाते जाएंगे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की।
तो सिग्नल देखिए जल रहे हैं यहाँ पर, आपको दूर वाला सिग्नल शायद नजर नहीं आएगा यहाँ से जूम करके, लेकिन जो ये पास वाला सिग्नल, दोनों सिग्नल लाल है, जल रहे हैं, सिग्नल कनेक्ट कर लिए गए हैं और एक लोको भी अब आने लगा है क्योंकि ट्रैक को वहाँ वीरभद्र में लिंक कर लिया गया है जो सामान लेकर आता है यहाँ पर। और मशीनरी आप देख सकते हैं, सूरज फिर बादलों में चला गया, ये जंक्शन बॉक्सेस पे काम चल रहा है, इसको जोड़ने का जितना भी टेक्निकल काम है बहुत तेज़ी से निपटाया जा रहा है, लेबर लगी हुई है और सुबह से ही बादल और बारिश जिससे काम में बार बार बाधा आ रही है। और मशीनें आप सब देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से बैलास्ट भर दिया गया है ट्रैक में और सीधे फिर ये वीरभद्र होते हुए निकल जाएगी रेलगाड़ी हरिद्वार की तरफ। और न्यू ऋषिकेश स्टेशन से सुन रहे हैं जब ये शुरू हो जाएगा, अभी तो रेल बजट आना बाकी, उसमें बहुत कुछ साफ होगी तस्वीर, तो कुछ रेलगाड़ियां यहां तक एक्सटेंड करी जाएंगी हरिद्वार स्टेशन से जिसकी बात चल रही है, जिसमें अभी कलिंग उत्कल एक्सप्रेस का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। अब कितनी गाड़ियों को विस्तार मिलेगा, कौन कौन सी रेलगाड़ियां यहां से शुरू होंगी, ये बजट के बाद तस्वीर साफ होगी और जब पिंक बुक आएगी उत्तर रेलवे की, क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे में आता है यहाँ पर, तो ये क्या क्या यहाँ पर और सुविधाएं बढ़ेंगी ये पता चलेगा। और ये टर्मिनेटिंग लाइन एक और देखिए, जैसे पूर्व में अभी आपने वीडियो में देखा, जिसे हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड में सोच रहे थे कि लंबी एक लाइन जाएगी, वो टर्मिनेटिंग प्लेटफॉर्म एक रहेगा, वहाँ पर लाइन थोड़ी छोटी रहेगी और बीच बीच में जो गैप है वो आपने देखा भी वीडियो में, वो पानी की निकासी के लिए दिया जा रहा है, वहाँ पर और पाइप डाले जाएंगे उसमें अंदर। और इधर ये टर्मिनेटिंग लाइन जंक्शन बॉक्सेस के पास में लोको वगैरह खड़े करने के लिए, और उसके पीछे का व्यू अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो चंद्रभागा नदी है जिसके ऊपर से रेल लाइन गुजरेगी, उसके पुल का निर्माण भी कछुए की चाल से चल रहा है, पुल बनाने में समय लग जाता है, पिलर्स वगैरह उठाने फिर बीम डालना, तो उसमें अभी मान के चलिए 10 महीने लग जाएंगे पुल तैयार होते, और फिर रेल लाइन आगे सुरंग बन रही हैं, फिर और चीज़ें हो रही हैं, वो मार्च के बाद हम इसके आगे का जो काम है तब तक वहाँ थोड़ी प्रोग्रेस हो जाए कुछ। अभी मौसम भी बहुत ख़राब है, पहाड़ में ऊपर ठंडा भी काफ़ी है, दूसरी चीज़ की ज़्यादातर जो आगे का अब रास्ता तय होगा, रेलगाड़ी जो तय करेगी उसमें मेजर पार्ट टनल्स के अंदर है, तो टनल्स के अंदर एक तो अंधेरा भी है, दूसरा सिक्योरिटी रीजंस से जाने का वहाँ पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसमें तो कुछ नज़र भी नहीं आएगा वीडियो में, वीडियो के पर्पस के हिसाब से, लेकिन बाहर से जहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वो सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा मार्च के बाद या आगे आने वाले समय में, क्योंकि थोड़ा सा आप समय दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी कार की जब प्रगति वहाँ होगी और ये यहाँ तक स्टेशन थोड़ा कंप्लीट लगने लगेगा तो फिर इसके आगे करने में मज़ा आएगा, जब कम से कम चंद्रभागा नदी का जो पुल है वो पूरा हो जाए। अभी पिलर्स ही उठे हुए हैं, जैसा पूर्व में आपने महीना सवा महीने पहले जो मैंने वीडियो किया था उसमें स्थिति में कमोवेश वैसे ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया अभी। और आप देख सकते हैं साइड में एक और यहाँ पर रोलर चल रहा है, ट्रैक्स आप देख सकते हैं, आगे एक दूर पे लोको खड़ा हुआ है जो यहाँ पर आया है, और इधर से व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ न्यू ऋषिकेश स्टेशन का। बीच बीच में जब धूप आ जाती है तो वीडियो ज़रा अच्छा बन जाता है, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है देहरादून में और यहाँ ऋषिकेश में भी, तो दिक्कत आ रही काम करने में भी और वीडियो बनाने में भी। अब इधर से हम आपको दिखाते हैं, अब धूप आई है कि हमारे टेक्निकल स्टाफ लगा हुआ है पैनल रूम के से लिंक कर रहा है, यहाँ पर जो वायर्स हैं केबल हैं अभी, इधर वायरिंग होनी बाकी है, ब्रैकेट्स लगने बाकी हैं, आप देख सकते हैं क्रॉस बार्स लग चुकी हैं और इधर अभी काम बाकी है। हमारे जो वर्कर्स हैं, लेबर हमारी रात दिन काम कर रही है मेहनत के साथ, योगनगरी न्यू ऋषिकेश स्टेशन को रूप दिया जा रहा है, साकार किया जा रहा है इसका।
पीछे पहाड़ियों पर जो शेड है आप देख रहे हैं, छाया बादल वहाँ पर हैं, और करीब से आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं पॉइंट्स वगैरह सब तैयार कर लिए गए, और जो भी काम है उसको बस 80% आप मान के चलिए कि योग नगरी ऋषिकेश में कार्य पूरा हो गया है। जो बेसिक काम कहलाता है, नींव जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन, बेसिक स्टार्ट करने से लेकर के इसकी बिल्डिंग हो, शेल्टर वर्क हो, टेक्निकल काम जो होता है ट्रैक को बिछाने का, बैलास्ट भरने का, पॉइंट्स बनाने का, जंक्शन बॉक्सेस, सारी चीज़ें अब यहाँ पर दिखाई देने लगी हैं। तो स्टेशन का जो स्वरूप है देखिए निकल कर आ रहा है सामने, और चीज़ें नज़र आने लगी हैं। तो इधर से आप देख सकते हैं पेंट हो रहा है, और शेल्टर पर जो चादर होती शीट वो लगाई जा रही है, शेल्टर वर्क कंप्लीट किया जा रहा है। और यहां पर भी बिल्डिंग तैयार हो रही है, इसमें शायद यहाँ पर जो स्टाफ है रनिंग स्टाफ उसके रहने की शायद व्यवस्था हो, अभी मैं पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता हूँ दावे के साथ। और इधर से आप देखिए नज़ारा, ये करीब से आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए सिग्नल जल रहे हैं, आगे कार्य चल रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नल्स को कनेक्ट कर लिया गया है, और जो जो सिग्नल कनेक्ट होते जा रहे हैं वो अब जलते जा रहे हैं, उनमें अब जब बिजली का प्रवाह होता है तो देखिए फिर ये ऑन हो गया, यहाँ पर लाल रंग से आपको दिख रहा होगा जल रहा है। आगे TPM मशीन भी खड़ी हुई है यहाँ पर चूंकि अभी वो कार्य नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर आ चुकी है, लास्ट में देखिए खड़ी हुई है ट्रैक पैकिंग मशीन। तो ये अपडेट योग नगरी न्यू ऋषिकेश स्टेशन से, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।